केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना खासदार क्रीड़ा महोत्सव के तीसरा संस्करण का रंगारंग आकाश धनतोली स्थित यशवंत स्टेडियम में हुआ। खासदार क्रीड़ा महोत्सव के तीसरे संस्करण का रंगारंग आकाश रविवार शाम को धनतोली स्थित यशवंत स्टेडियम में हुआ। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता बबीता कुमारी फोकाट ने दीप प्रज्वलित करते हुए क्रीड़ा महोत्सव का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेटर गुरुदास राउत ने क्रीड़ा ज्योत को मंच तक पहुंचाया। वहीं विश्व कैरम चैंपियन इरशाद अहमद ने क्रीड़ा ध्वज का आरोहण किया। उपरांत इसमें भाग ले रहे विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों ने बियारे मुंडले और भोसला मिलिट्री स्कूल के बैंड की धुन पर मार्च पास्ट की मदद से अतिथियों को सलामी दी। बबीता कुमारी ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। इस दौरान हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्कूल ऑफ स्कॉलर्स के विद्यार्थियों ने राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किया। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के बच्चों ने मलखम्ब, अमित हाई स्कूल के छात्रों ने योगा और छावा क्रीड़ा मंडल के युवाओं ने फायर रिंग के करतब दिखाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मेरा सपना है कि हर सुबह नागपुर के लाखों युवा मैदान पर खेल के माध्यम से पसीना बहाए, स्वामी विवेकानंद का आदर्श लेकर युवा आगे बढ़े और नागपुर के साथ देश की प्रगति के लिए विशेष योगदान दे। उन्होंने कहा कि क्रीड़ा महोत्सव के तीसरे संस्करण में खिलाड़ियों की भागीदारी निश्चित ही हम सभी को प्रोत्साहित कर रहा है। यह आने वाले समय में और व्यापक रूप से आयोजन होगा। जिस तरह खेलो इंडिया में प्रतिभावान खिलाड़ी खेलते हैं, उसी तरह यह खेलो नागपुर क्रीड़ा महोत्सव है जिसमें आप सभी की भागीदारी और योगदान अहम है। नागपुर के महापौर व क्रीड़ा महोत्सव के संयोजक संदीप जोशी की अध्यक्षता में हुए उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री व नागपुर के सांसद गडकरी, राज्य के क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार, अभिनेता से नेता बने सनी देओल, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी विवेक सोहाग, अभिनेता शरद केकर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े, विधायक कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारी, डॉक्टर परिणय फुके, पूर्व विधायक सुलेखा कुंभारी, सुधाकर राव देशमुख, डॉक्टर मिलिंद माने आदि उपस्थित थे। मैं मुंबई में रहता हूं और आप यकीन मानिए हमारे बच्चों के लिए खेलने को जगह नहीं है। बहुत खुशी होती है ऐसी जगह आके, जो भी उस आदमी के लिए जो कि खेल से जुड़ा हुआ है इतने साल तक। आज भी मैं खेलता हूं, आज भी मैं अपनी बेटी के स्कूल की क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट खेलता हूं हर हफ्ते। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करते हैं और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आप लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू नागपुर। आपकी ये क्या बोलते हैं, ये हमारी शुरुआत है स्पोर्ट्स की और मुझे मालूम है कि आप सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं और सब हर आदमी चाहेगा कि वो जीते, लेकिन जीत हार होती रहेगी क्योंकि हार से भी आदमी जीतता ही है, उसे समझ आती है। और सबसे बड़ी बात हर स्पोर्ट्समैन की होनी चाहिए, उसके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए और ये सब आपके अंदर जरूर होनी बहुत जरूरी है। और वैसे जैसे कहते हैं कि ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है तो आदमी उठ जाता है। आप लोगों के अंदर जो एक जोश है, स्पोर्ट्स में एक जोश ही होता है जो आदमी को आगे लेके जाता है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे स्पोर्ट्स में पार्ट लेंगे। इसमें हार जीत, जैसे मैंने पहले कहा था, हार जीत की कोई बात नहीं होती, लेकिन इसके जो खेलने से और जिससे आदमी तंदुरुस्त रहता है उसके साथ आदमी का दिमाग जो पॉजिटिव रहता है वो सब खेल कूद से ही होता है। उसे आदमी डिसिप्लिन्ड हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि जिंदगी आगे इसी तरह से है, कोई अगर हार भी जाओ तो फिर से आप जीत सकते हो। आपको हमेशा जिंदगी सिखाती है जो आप स्पोर्ट्स में हमेशा सीखते रहोगे। बस यही कहना चाहूंगा कि यहाँ आप लोगों की वजह से मैं आया हूँ, यहाँ आप लोगों के बीच हूँ, आप सबको ढेर सारा प्यार। नितिन जी की वजह से मैं यहाँ आया हूँ और बार बार आता रहूंगा जब भी मौका मिलेगा। आज के अपने इस समारोह के उद्घाटक महाराष्ट्र के क्रीड़ा मंत्री आदरणीय सुनील केदार जी, विशेष रूप से जिनका आदर्श रखकर हमारे नागपुर के भी हमारी बंधु हमारी बहनें
देश के लिए गोल्ड मेडल मिलाने के लिए मिलाकर देने के लिए प्रेरणा लेगी ऐसी माननीय बबीता फोगाट, उनके पति आदरणीय विवेक सुहाग जी। अभी तानाजी पिक्चर आया है और इस पिक्चर में बहुत लोकप्रिय हुआ है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका करने वाले शरद केड़कर। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।